हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेसिपीज एट रैंडम। आज मैं बना रही हूँ मेरी फेवरेट इंस्टेंट राइस रेसिपीज, वो भी तीन बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर्स में, टमेटो राइस, लेमन राइस और कर्ड राइस। एक बार इसे आप जरूर से ट्राई कीजिएगा, तीनों के फ्लेवर्स बिल्कुल अलग हैं और बनाने में बहुत ही सिंपल। बस आपको चाहिए सिर्फ बॉयल राइस। तो अगर आप लंच के लिए स्पेशली बना रहे हैं तो आप राइस को पहले बॉयल करके ले लीजिए, या फिर आपके पास अगर लंच के बॉयल राइस पड़े हुए हैं, लेफ्ट ओवर राइस है, तो आप शाम को बना सकते हैं या फिर डिनर में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। ये बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं टमेटो राइस के साथ। एक ले लिया है मैंने पैन, डाल रही हूँ उसमें एक बड़ा चम्मच वेजिटेबल ऑयल, और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच मस्टर्ड सीड्स। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ये देखिए डाल दीजिए। और साथ में मैं डालूंगी आधा छोटा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो जिंजर और गार्लिक को इक्वल क्वांटिटी में आप ग्राइंड करके रख लीजिए या फिर ग्रेट करके भी ले सकते हैं। ये देखिए मैंने बिल्कुल बहुत ही फाइन पेस्ट नहीं बनाया, हल्का सा दरदरा सा पेस्ट है। और डाल दिया है करी पत्ता, 8 से 10 करी पत्ते मैंने तोड़ के डाल दिया है। एक प्याज फाइन चॉप कर ली है, उसे डाल दिया है। अब इसे सॉटे कर लीजिए, हल्की सी प्याज सॉफ्ट हो जाए। बच्चों के टिफिन के लिए ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। डाल दिया है मैंने आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, डाल रही हूँ मैं 2 हरी मिर्च। अगर आप पर्टिकुलरली बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च अवॉइड करके लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लीजिए। और 2 टमाटर, उसे मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है, इसमें ऐड कर दिए हैं। और फटाफट से बनने वाली रेसिपी है, फटाफट से आप बनाइए और इसे एंजॉय कीजिए। इतने फ्लेवरफुल बनते हैं ये राइस कि इसके साथ किसी अचार की जरूरत नहीं है आपको। मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है, सॉल्ट ऐड करने से टमाटर जल्दी से गल जाएगा। अब मैं इसे कवर करके छोड़ दूंगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में ये सॉफ्ट हो जाएंगे टमाटर, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये देखिए अभी सॉफ्ट नहीं हुए हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी, मेरे पास मटर है, ये फ्रोजन मटर 1 बड़ा चम्मच, तो मैं वो ऐड कर रही हूँ। आपके पास अगर आप चाहें तो शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, या आप विदाउट मटर भी बना सकते हैं। तो मैंने इसमें ये मटर डाल दिया है, लेकिन अभी तक टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हुए हैं, तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए और कवर कर दूंगी कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट एंड मशी हो जाए बिल्कुल। और ये देखिए ऐसे मिक्स करके देख लीजिए पहले अच्छे से, टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, ये देखिए। तो बस अब हमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमें अपना बॉइल्ड राइस ऐड कर देना है, और राइस को अच्छे से मसालों के साथ, सारी चीजों के साथ अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ये देखिए इसमें टमाटर भी है, इसमें मटर भी है, इसमें करी पत्ता भी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और अच्छे से 2 मिनट के लिए इसे कुक कर लेंगे कि चावल के अंदर सारे फ्लेवर्स अच्छे से, चावल जो है वो एब्जॉर्ब कर लें। और लास्ट में इसमें मैं डालूंगी, ये देखिए आधा छोटा चम्मच मैंने सांभर पाउडर डाल दिया है इसमें। तो सांभर पाउडर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, अगर आपके पास ना हो तो उसकी जगह आप गरम मसाला पाउडर ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सांभर पाउडर डालेंगे, सांभर मसाला, तो उसका फ्लेवर एक बहुत ही अच्छा आता है। तो एक बार सांभर मसाले के साथ जरूर से ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए हमारे टमेटो राइस बनकर बिल्कुल रेडी है, गर्मा गर्म इसे सर्व कीजिए, ये देखिए। तो चलिए निकाल लेते हैं इन्हें। तो लगा ना बिल्कुल 10 मिनट से भी कम का टाइम। अगर आपके पास बॉइल्ड राइस रखे हुए हैं तो फटाफट से 10 मिनट्स के अंदर ही आप इसे बना करके रेडी कर सकते हैं। और इसे एंजॉय कीजिए, ये देखिए। तो हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही फ्लेवरफुल टमेटो राइस बनकर बिल्कुल रेडी है। तो इसे ट्राई करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं लेमन राइस। लेमन राइस की रेसिपी भी बहुत ही सिंपल है, अगर आपको लेमन का फ्लेवर पसंद आता है तो ये राइस आपको बहुत अच्छे लगने वाले हैं। और इसे बनाने के लिए मैंने ले लिया है पैन, डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच देसी घी, मैं इसे घी में बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे ऑयल में बना सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल का यूज मत कीजिएगा क्योंकि उसके स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है। और डाल दिया है मैंने इसमें मस्टर्ड सीड्स 1/2 छोटा चम्मच, 8 से 10 करी पत्ते तोड़ के डाल दिए हैं। और अब मैं ले रही हूँ, देखिए ये थोड़ी सी 1/2 चम्मच धुली हुई उड़द की दाल है और 1/2 चम्मच चने की दाल। इसे वॉश कर लीजिएगा पहले और उसके बाद इसमें ऐड कर दीजिए। अब अच्छे से इसे सॉटे कर लेंगे।
इसमें दालों का क्रंच जो आता है ना, बहुत अच्छा आता है। ये मेरे पास कुछ काजू मैंने लिए हैं, टुकड़े वाले, छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं, या फिर टुकड़े वाले काजू जो आते हैं वही आप यूज़ कर लीजिए। और इन्हें भी हल्का सा इसमें मिक्स कर लीजिए, भुन जाएंगे अच्छे से। डाल रही हूँ मैं 2 हरी मिर्च चॉप करके। बच्चों के मुंह में आने से अगर अच्छे नहीं लगते हैं हरे मिर्च, तो आप रेड चिली पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच, मेरे पास रोस्टेड पीनट्स हैं तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास रोस्टेड ना हो, कच्चे हो, तो आप कच्चे यूज़ कर लीजिए। बस कच्चे को हल्का सा क्रश करके थोड़ी देर, ज़्यादा देर के लिए इसमें ऑयल में भून लीजिएगा तो वो पक जाएंगे। और थोड़ी सी मैं इसमें डालूंगी जिंजर, मैंने ग्रेट कर लिया है, करीब आधा छोटा चम्मच जिंजर डाल दिया है। जिंजर का फ्लेवर भी राइस में बहुत अच्छा आता है, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। घी में देखिए अच्छे से पका लीजिए। और अब इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर, करीब आधा छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है। और ज़्यादा मसाले इसमें नहीं चाहिए। हल्दी का एक गोल्डन सा, एक लेमन के ऊपर जो कलर आएगा राइस के ऊपर गोल्डन सा, वो बहुत अच्छा लगता है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चावल, ये देखिए 1 बोल चावल, बड़ा बोल चावल है मेरे पास। इसके लिए भी अगर आप लॉन्ग ग्रेन राइस यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और ज़्यादा अच्छा खिले खिले से चावल दिखाई पड़ते हैं और अच्छे लगते हैं देखने में भी, और खाने में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर दीजिए। देखिए बहुत ज़्यादा कोई मसाले नहीं चाहिए, क्योंकि सिंपल फ्लेवर्स हैं बिल्कुल। इसमें मूंगफली, काजू और दालों का क्रंच है, गोल्डन, हल्दी का बिल्कुल स्लाइट सा गोल्डन सा कलर है, करी पत्ते की खुशबू है। और मैंने ऐड कर दिया है सॉल्ट, और सॉल्ट के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसे। और लेमन को हम डालेंगे सबसे लास्ट में, इसलिए सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। 2 मिनट के लिए कुक कर लीजिए। और देखिए मैंने एक लेमन ले लिया है, पर पूरा लेमन नहीं डालेंगे क्योंकि राइस मैंने सिर्फ 1 बोल लिया है, तो मैं करीब 1 छोटा चम्मच लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। आपकी जैसी राइस की क्वांटिटी हो उसके अकॉर्डिंग आप लेमन जूस ऐड करिए। अगर आप 2 बड़े बोल राइस ले रहे हैं तो उसके साथ आप पूरा नींबू डाल सकते हैं। मैंने गैस ऑफ कर दी है और अब मैं लेमन के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और सारे चावलों में अच्छे से लेमन का फ्लेवर आ जाना चाहिए। अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और ये हमारे टेस्टी लेमन राइस बनकर बिल्कुल रेडी हो गए। ये देखिए, इसे आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएंगे। इसका फ्लेवर भी बहुत ही डिफरेंट होता है और बहुत टेस्टी लगता है। बच्चों को भी ये बहुत पसंद आते हैं। ये देखिए, कोई ज़्यादा मसाले नहीं है, सिंपल सी रेसिपी है, बस 5 मिनट में आप इसे बना करके रेडी कर सकते हैं। तो लग रहे हैं ना अच्छे, लग रहे हैं ना टेस्टी, तो इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और चलिए अब बनाते हैं कर्ड राइस। कर्ड राइस तो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, कर्ड राइस मुझे बहुत पसंद है। लंच में काफ़ी बार मैं कर्ड राइस बनाती हूँ। ये देखिए, तो कर्ड राइस के लिए आपको एक बोल ले लेना है, उसमें डाल दीजिए चावल, उतना ही चावल मैंने यूज़ किया है। लेकिन कोशिश कीजिए कर्ड राइस बनाने के लिए आपको थोड़ा सा चावल मशी चाहिए, जैसे ओवर कुक चावल हो जाते हैं ना, हल्के से सॉफ्ट हो जाते हैं, वो मिले मिले से चावल हो जाते हैं, वैसे चावल चाहिए। इसके लिए आपको ऐसा लॉन्ग ग्रेन चावल की ज़रूरत नहीं है, छोटा वाला चावल होता है ना, वो उससे भी आप बना सकते हैं। और चावल को थोड़ा सा ओवर कुक कर लीजिएगा, जिससे वो आपस में थोड़े से चिपक जाए। और मैंने उसी बोल में उतना ही मैंने दही ले लिया है, दही बिल्कुल खट्टा नहीं है। अगर आपका दही खट्टा हो तो आप आधा बोल दही लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा आधा बोल दूध मिला लीजिएगा। और ये पूरा का पूरा दही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चावलों में, और चावल और दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा दही बहुत खट्टा ना हो, और अगर दही खट्टा होगा तो आप आधा दही और आधा दूध मिला करके उसे इस तरह से मिक्स कर लीजिएगा। अब इसमें हम डाल देंगे सॉल्ट, और अच्छे से मिक्स कर लीजिए सॉल्ट के साथ भी। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, आपको बहुत पसंद आने वाली है। और इसे कवर करके हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तब तक हम इसका तड़का रेडी कर लेते हैं। तो इसे कवर करके छोड़ दीजिए, क्योंकि चावल थोड़े से दही और दूध को एब्जॉर्ब करेंगे तो थोड़ा सा फूल जाएगा चावल, और अच्छे से उसके सारे फ्लेवर्स आ जाएंगे। और ये देखिए, तड़का बनाने के लिए मैंने डाल दिया 1 छोटा चम्मच वेजिटेबल ऑयल, उसमें डाला है मैंने मस्टर्ड सीड्स और थोड़ी सी चने की दाल, बिल्कुल आधा छोटा चम्मच दोनों दोनों चीज़ें। 1 पिंच मैंने हींग डाल दी है, थोड़े से करी पत्ते डाल दिए हैं। और ध्यान रखिए, थोड़ा सा फ्लेम का ध्यान रखेंगे, तड़का हमारा जले नहीं। लास्ट में मैंने डाल दिया है 2 हरी मिर्च। हरी मिर्च आपको ना खानी हो तो आप लाल मिर्च डाल सकते हैं, लाल मिर्च का पाउडर। और बस अब इसमें तड़का ऐड कर देंगे। ये देखिए, और तड़के को अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसमें।
और हमारे कर्ड राइस बिल्कुल बनकर रेडी हैं। इसमें अगर आपको ऐड करना है तो आप लास्ट में इसमें अनार ऐड कर लीजिए, अनार के दाने ऐड कर लीजिए। अनार के साथ ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसका इसका खट्टा फ्लेवर और उसका हल्का सा अनार के दानों का जो मीठा फ्लेवर आता है और इसमें जो खुशबू करी पत्ते की तड़के की खुशबू आती है वो बहुत अच्छी लगती है। तो एक बार इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत पसंद आने वाले हैं। तो आपको मेरे तीनों फ्लेवर्स राइस के कैसे लगे, बिल्कुल इंस्टेंट बनने वाले हैं, तो इसे ट्राई करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा राइस सबसे अच्छा लगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं, यूजफुल लगती हैं, तो इसे फटाफट से लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी बहुत सारी टेस्टी रेसिपीज देखने के लिए। साथ में बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और मेरे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।